बट एट 40.75 आपके पास इससे अच्छा बैंक नहीं मिलेगा। इस क्वार्टर में नंबर्स विल बी वेरी रोबस्ट, हाईएस्ट निम है इनकी इन ऑल द बैंकिंग सर्कल 5.3 और एनपीएस फॉल करके रिटेल बुक इज ग्रोइंग। तो आई हैव एक्सट्रीम फेथ इन आईडीएफसी फर्स्ट, इट्स द बेस्ट बैंक टू बाय दिस प्राइस। 40-75 में लीजिए, 39.5 का स्टॉप लॉस, 45 से 46 का टारगेट। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर्स में, मैं हूं आपका दोस्त मनीष माथुर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, संजीव वसी ने 41 के लेवल के आसपास उन्होंने बोला फिर से बाई करने को शेयर को। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा पुरानी नहीं है, जस्ट 3 दिन पहले की ये वीडियो है। जी हाँ, ये वीडियो यहाँ की है, 23 तारीख की बात है, सुबह सुबह। संजीव वसीन का आपको पता होगा जी बिजनेस पे एक शो आते रहता है, 10-10:30 बजे के आसपास आता है, उसी समय उन्होंने देख लिए यही वो लेवल है। इसी लेवल पे उन्होंने 41 के लेवल पे बाई करने को बोला सभी को, और उसके बाद आप मुझे बताइए इस लेवल पे जैसे ही उन्होंने बाई करने को बोला, इसके बाद शेयर का लेवल क्या चल रहा है, 38 रुपीज़ के आसपास चल रहा है अप्रोक्सीमेटली बोले तो। 3 रुपया का वहाँ से गिरावट देखने को मिला है 41 रुपये के लेवल से। जो 3 रुपये का गिरावट, आपको क्या लगता है 8% के आसपास की गिरावट है? जी हाँ, 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली है जब से संजीव वसीन ने बाई करने को बोला है तब से। ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बता दूँ, देखिए कुछ अंधभक्त होंगे, कुछ उनके बहुत बड़े फॉलोअर होंगे, बहुत बड़े मतलब फैन होंगे जो बोलेंगे कि अरे संजीव वसीन बहुत बार मतलब फ़ायदे बना के दिया है। 10 में से 8 बार संजीव वसीन का कॉल गलत गया है। जी हाँ, संजीव वसीन का कॉल 10 में से 8 बार गलत गया है। लोग 8 बार नहीं देखते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं। मैं आपको बता दूँ, अभी ऊपर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, वीडियो भी दिख रहा होगा, IDFC के ऊपर मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी वीडियो बनाया था, कुछ दिनों मतलब पहले मतलब 2-3 महीने पहले भी वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने एक्सपोज किया था संजीव वसीन को। आपको अभी लग रहा होगा कि संजीव वसीन जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक काम कीजिए आप, मेरी जो ऊपर की वीडियो है वो 3 या 4 महीने पहले की वीडियो है। जी हाँ, 3 या 4 महीने पहले की वीडियो है। उस वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए थे क्योंकि मैंने एक्सपोज किया था संजीव वसीन को। तो आप पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए जो चीज़ संजीव वसीन ने अभी बोला है। जी हाँ, जो चीज़ संजीव वसीन ने अभी बोला है कि बैंक अच्छा है, इससे सस्ता रुपये मिलेगा ही नहीं, इसके अंदर ये अच्छा आने वाला है, रिजल्ट अच्छा आने वाला है, हर चीज़ सेम टू सेम संजीव वसीन ने 4-6 महीना पहले ही बोला था। फिर भी शेयर उसके बाद गिरता ही रहा। संजीव वसीन को तो 60 रुपये पर भी सस्ता दिख रहा था, 55 पर भी सस्ता दिख रहा था, 50 पर भी सस्ता दिख रहा था, 45 पर भी सस्ता दिख रहा था, अभी 40 पर भी सस्ता दिख रहा है। आप मुझे बताइए, आप कभी ऐसा देखे हैं क्या जो शेयर आपको 100 रुपया पर सस्ता दिख रहा है वो शेयर नीचे गिरते रहे, आप उस पर बाई करते रहे, कैसे चलेगा सर? रिटेल इन्वेस्टर के पास कितने पैसे होते हैं कि वो मतलब 60 रुपये से, जो आप मुझे बताओ 60 रुपये पर जिसने बाई किया होगा संजीव वसीन के कहने पर, मैं आपको दिखाता हूँ डे का चार्ट दिखाता हूँ, 60 रुपये पर संजीव वसीन के कहने पर जिसने बाई किया होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये रही ना आपकी 70 रुपये के आसपास शेयर गया था जिसने यहाँ के लेवल पर बाई किया, क्या शेयर कभी उसके उस लेवल पर आया क्या? मुझे आप बताओ, क्या उसके बाद कभी शेयर अपने उस लेवल पे आया क्या? तो जिसने भी बाई किया यहाँ, जिसने भी बाई किया यहाँ, जिसने भी बाई किया यहाँ, जिसने भी बाई किया, हर किसी ने लॉस लिया, हर किसी ने लॉस बुक किया है। लेकिन संजीव वसीन हर बार बाई कॉल दे दे के लोगों को फंसाते आए। तो मैं बस यही बोलूँगा, देखिए संजीव वसीन बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे स्कैम चलते हैं, संजीव वसीन का चेहरा यूज कर करके लोग मतलब स्कैम करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों मतलब संजीव वसीन का चेहरा यूज करते हैं, जबकि हर किसी को पता है कि संजीव वसीन बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान है, उनके सारे कॉल्स गलत होते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा, देखिए शेयर की अगर बात करें तो हाँ, शेयर के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, मुझे भी पता है शेयर 36 से 37 का जो लेवल है वो लेवल शेयर नहीं तोड़ेगा, 100% मैं लिख के देता हूँ। इस लेवल पर बाई करना ही करना चाहिए, बेधड़क बाई करना चाहिए, जम के बाई करना चाहिए, क्योंकि ये लेवल बहुत ही बेहतरीन लेवल है बाई करने के लिए, 36 से 37 का लेवल। लेकिन संजीव वसीन किसी भी लेवल पर आके बोल देते हैं, लोगों को लॉस लग जाता है। इस बात से मुझे बस खराब लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा ऐसे हल्के हल्के हाथों में नहीं जाना चाहिए, मतलब मेहनत लगती है पैसे कमाने में। किसी भी लेवल पर आके आप कॉल मत दिया कीजिए, बस मुझे बस यही कहना है संजीव वसीन से, बाकी आप खुद समझदार है क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से 36 से 37 का लेवल है बहुत ही बेहतरीन लेवल है, उस लेवल पर आपको जम के बाई करना चाहिए। 45 तक के लेवल आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से 20% तक का रिटर्न आराम से आपको मिल सकता है। तो यही बात बोलूँगा, साथ में यही बताना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि संजीव वसीन से बच के रहना है, उनके कहने पर अंधभक्त होकर बाई नहीं करना है, खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए, और साथ में साथ सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।